आज यहाँ पर आप सबका स्वागत है और आज के दिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरे साथ मंच पर एमडी बाबा टूर्स एंड ट्रेवल्स का रणवीर सिंह जी और मैं और जनरल जोरावर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट जिनके द्वारा ये कार्यक्रम हुआ, उनकी ट्रस्टी दीक्षा कलूरिया और रिया कलूरिया जी, हम सब मिलकर एक नौजवान हमारे सन ऑफ द सॉयल रोहित सिंह भाऊ जो कि छोटे से पुत्र हैं शहीद गुलबदन सिंह भाऊ जी के, जो कि जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट पुलिस थे, आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी करने के साथ साथ इन्होंने अपना जो शौक सिंगिंग गायकी की तरफ बचपन से रहा, आज उसी के चलते इनकी डोगरी में जो कि एल्बम है हमने यहाँ पर फॉर्मली उसको लॉन्च किया है। सबसे पहले रोहित सिंह बहू जी को, नौजवान को बहुत बहुत मुबारक है। और रोहित जी ने इससे पहले भी कुछ काम किया है डोगरी भाषा पर भी, और जिसमें इनकी 2020 यानी कि एक साल पहले ही जो इनकी मेहनत थी रंग लाई और इनके जो गाने थे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है इनको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली, जिसमें मघीर कैली राती ये सब गाने जो थे जो कि डोगरी भाषा को नहीं भी जानते थे उन्होंने भी इन गानों को सुनकर जो है बहुत ही सराहा अप्रिशिएट किया। हिंदी में भी इन्होंने काम किया है और छोटी उम्र में ही ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, ना सिर्फ दिल्ली, बल्कि इवन साउथ इंडियन मूवीज़ के प्रोजेक्ट्स भी इनको मिले जिनको इन्होंने बाखूबी सक्सेसफुली निभाया, और बॉलीवुड में भी कुछ प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है जिन पर ये वर्कआउट कर रहे हैं। और शुरू से ही जैसे जनरल जोरावर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट टीम जम्मू और जम्मू के सिविल सोसाइटी की कई और ऐसी संस्थाएं जिन्होंने हमेशा जम्मू के यूथ को एक प्लेटफॉर्म दिया, जम्मू की कल्चर संस्कृति और जम्मू का जो कैलिबर है चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आर्टिस्टिक लाइन में हो, गायकी में हो, स्पोर्ट्स में हो, एकेडमिक्स में हो, किसी भी जगत में हो, किसी भी सेक्टर में हो, हमारा एक प्रयास रहता है कि ऐसे नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग बल्कि पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व देखे कि जम्मू के लोगों के टैलेंट की कोई दर्द नहीं है, गायकी में हो, स्पोर्ट्स में हो, एकेडमिक्स में हो, किसी भी जगत में हो, किसी भी सेक्टर में हो, हमारा एक प्रयास रहता है कि ऐसे नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग बल्कि पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व देखे कि जम्मू के लोगों के टैलेंट की कोई दर्द नहीं है, प्रोवाइडेड एक गवर्नमेंट लेवल पर एक स्पेसिफिक यूथ के लिए पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं हमें मिसिंग नज़र आती है, अगर वो हो तो जो हमारा नौजवान जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर इतना फेम और इतनी अप्रिसिएशन ले रहा है वो जम्मू कश्मीर में बैठकर भी, यहाँ पे हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे, एक स्पेसिफिक पॉलिसी जो है हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए होनी चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होनी चाहिए। आज के दिन हम यही कहेंगे कि ना सिर्फ रोहित सिंह भाऊ बल्कि ऐसे कई और भी हिडन टैलेंट है हमारे जम्मू खिते में, कितनी कम्युनिटीज़ में हमने एक प्रयास शुरू किया है, और हम स्पेशली थैंकफुल हैं जनरल जोरावर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट इंडस्ट्रीज़ की, इन्होंने ये कदम एक उठाया है और आगे भी हम यही आपके माध्यम से शोर करेंगे कोई भी ऐसा हिडन टैलेंट जिसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जम्मू की सिविल सोसाइटी, जम्मू के जितने भी लाइक माइंडेड सोच रखने वाली संस्थाएं हैं हम उनकी मदद करेंगे और एक प्रयास करेंगे कि जम्मू का कोई भी हिडन टैलेंट नीचे ना रहे बल्कि उभर कर पूरे देश के और विदेश के सामने आए। धन्यवाद। पहले तो बहुत शुक्रिया अदा का जो जैसे सरदार बलबीर सिंह जी, जोरावर सिंह जी, रिया जी और दीक्षा जी
जिन्होंने ये कदम उठाया है कि जम्मू वाले आर्टिस्ट को सपोर्ट करने का। मैं पिछले 11 साल से इस दौड़ में लगा हूँ, हिंदी गाने बनाए, अंग्रेज़ी गाने बनाए, पंजाबी गाने बनाए, कन्नड़ा गाने बनाए, तमिल गाने बनाए, पर आज जाके जब अपनी रूट्स, अपनी जड़ जब पहचानी, जो कि डुगर थी, जो कि मेरी डोगरी भाषा थी, उसमें जो जो मुझे सुकून मिला गाने बनाते हुए, म्यूज़िक बनाते हुए, वो उसका मैं बयान नहीं कर सकता। और अब मेरी एल्बम आदता रिलीज़ हुई है, जो कि डोगरी लिरिक्स तो है इसमें, लेकिन हमने एक म्यूज़िक का नया स्टैंडर्ड इसमें मैंने सेट किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर डोगरी आर्टिस्ट भी निकले यहाँ से, वो सिर्फ एक रीजनल लेवल पे नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल के काम को आगे लेके जाए। तो मैंने उसी तरह मॉडर्न म्यूज़िक में डोगरी भाषा का इस्तेमाल किया है, और मेरी एल्बम आदता उसमें ऐसे ऐसे डोगरी के स्पेसिफिक वर्ड्स, जैसे मखीर, ऐसे उस पे गाना लिखा है मैंने। और बाहर तो चलो कुछ ना कुछ मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा था, और चलो खुशी की बात है कि अब जम्मू में जाके लोग पहचान रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि हाँ, यहाँ का आर्टिस्ट भी कुछ कर रहा है, यहीं का लड़का कितने का मुड़ा किस करा था बाहर जाइए। तो अब उस पे गाना लिखा है मैंने, और बाहर तो चलो कुछ ना कुछ मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा था, और चलो खुशी की बात है कि अब जम्मू में जाके लोग पहचान रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि हाँ, यहाँ का आर्टिस्ट भी कुछ कर रहा है, यहीं का लड़का कितने का मुड़ा किस करा था बाहर जाइए। तो अब हम सैटरडे को डेब्यू शो कर रहे हैं हाइड्रो कैफे में, सर्कुलर रोड में, और मैं अपनी एल्बम के सॉन्ग्स परफॉर्म करने वाला हूँ, और जो जो आना चाहेगा प्लीज़ आए, और जम्मू का ये लोकल सीन सपोर्ट करे। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट एंड द ट्रस्टीज, सरदार बलवीर सिंह जी, जोरावर सिंह जी, हु हैव मेड दिस पॉसिबल। आई वुड लाइक टू थैंक माई मदर डॉक्टर सुषमा चिप, शी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी, शी इज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, एंड एनी थिंग आई एवर वॉन्टेड शी प्रोवाइडेड फॉर मी। माई ब्रदर हु हैज़ बीन यू नो solid foundation for me, mother has been the basis of everything, every morals, every virtue that I grew up with, aur jo bhi main banda aaj bana hu in dono ki wajah se, aur main sabka aap sabka shukriya ada karna chahta hu kyunki aap sab yahan aaye, aur main to independent artist raha hu, aur aisi recognition mere liye bahut hi nayab hai, aur I'm really happy, aur aise support karte raho, to dekhte hain jammu ka scene bhi aage badhega।